हाय फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा चाट। बहुत ही फेमस डिश है ये और बहुत लोगों की फेवरेट भी होती है। इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको ज़रूर ये पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप सफ़ेद मटर लिए है, उसे मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये अच्छे से फूल कर आए हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें सफ़ेद मटर ऐड करेंगे और रफली चॉप किया हुआ एक कच्चा आलू ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक ऐड करके पानी ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर 5 सीटियाँ देकर बॉईल कर लेते हैं। पानी की लेंथ हमें मटर से थोड़ी ऊपर रखनी है। तो मैंने ये 5 सीटियाँ देकर मटर और आलू अच्छे से बॉईल किए हैं, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं ये। आप देख सकते हो कि पानी भी ज़्यादा नहीं है इसमें, तो इसे हल्का सा मैश कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई लेकर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। फिर एक बड़े साइज़ वाला हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा भुनने के बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। जब इसमें से अदरक लहसुन और हरी मिर्च की रॉ स्मेल चली जाए तब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक बड़े साइज़ वाला टमाटो बारीक कटा हुआ। इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ऐड करें क्योंकि हमने पहले भी यूज़ की है। उसके साथ हम ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है, तो 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम उसमें ऐड कर देते हैं कुक किए हुए मटर और आलू। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड करके हम कुकर को क्लीन करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे नमक स्वादानुसार। इसे 5 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पर बॉईल करके लेना है क्योंकि जो हमने मसाले ऐड किए हैं उसके फ्लेवर्स इसमें अच्छे से उतर जाएं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और बस हमारा रगड़ा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही परफेक्ट बना है, बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसे चलते हैं असेंबल करने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हो। तो सबसे पहले हम एक प्लेट में रगड़ा लेते हैं और इसे गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। ऊपर से हम ऐड कर देंगे ग्रीन चटनी। ये चटनी पुदीना, हरी मिर्च और धनिया से बनाई जाती है और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये दोनों चटनियाँ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है क्योंकि रगड़े का टेस्ट इससे और भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज स्प्रिंकल करेंगे, फिर बारीक कटा हुआ टमाटो। ऊपर से हमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है, ये थोड़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ऊपर से बहुत सारी बारीक सेव ऐड करेंगे। इस चाट को बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। और लास्ट में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ आप पानीपुरी की पूरी या फिर पापड़ी क्रश करके ऐड कर सकते हो, उससे ये और भी टेस्टी और क्रंची लगता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन आप उसे ज़रूर ऐड करिएगा। इसे और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। और एक और इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, वो है रोस्टेड की हुई मूंगफली। पहले मैं इसे ऐड करना भूल गई थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग स्ट्रीट फूड रगड़ा चाट तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।